हेलो साथियों, मैं चंचल और आप सभी का स्वागत करती हूँ फैट न्यूज बुलेटिन यानी फैट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैट खबर 1 फरवरी से 28 फरवरी 2022 के बीच हुई सभी प्रक्रिया को दर्शाएगा, तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। YP फाउंडेशन द्वारा 2 सर्ट आयोजित किए गए। YWLP और GSTEM के सहभागियों के साथ वेल्बिंग के सेशन हुए। यूनेस्को की टीम ने गर्ल्स मेकर स्पेस में विजिट किया। ब्रिज कोर्स के सेशन हुए। फैट समुदाय के साथ कम्युनिटी मीटिंग आयोजित की गई। लर्निंग कम्युनिटी के सेशन हुए। चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन हुए। नो अवर लीडरशिप पूनम और प्रिया की कहानी यूथ की आवाज में प्रकाशित हुई। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। 2 फरवरी और 4 फरवरी को YP फाउंडेशन द्वारा SRHR पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में झारखंड से 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, तो आइए सुनते हैं इन प्रतिभागियों का अनुभव। तो हमारे साथ फरवरी में YP फाउंडेशन के साथ ऑनलाइन सेशन हुआ था। हमारे बड़े ग्रुप में हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हमें मुद्दों के बारे में पूछा गया था, बताया गया था। उसमें एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाया गया था। उस एक्टिविटी में यह हुआ था कि मैं उसमें वॉलेंटियर थी, उसमें पार्टनर दिया गया था। उस पार्टनर को मुझे कन्विंस करना था कि वो मेरे साथ पार्क चले, कहीं और ना जाए, वो मेरे साथ जाओ, मेरी बात माने, किसी और की बात ना माने। तो उसका निष्कर्ष निकला था कि आपके सामने वाले पर्सन कितना भी कन्विंस करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको एक ना बोलने की जो आदत है ना कि नहीं मुझे नहीं करनी है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो बोलना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो यही इसका एक निष्कर्ष था जो हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। और ये पूरे एक्टिविटी के बाद, पूरे सेशन के बाद फिर हमारा एक रिफ्लेक्शन लिया गया कि आपने जिन जिन मुद्दों पे काम किया है उनका आपका एक्सपीरियंस कैसा गया है, और अगर आप आगे और करोगे तो वो आपका कैसा जाएगा। उसके बाद हमारा ये सेशन क्लोज कर दिया गया। और इसके साथ ये था कि आप इस सेशन से क्या लेकर जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी अपने लाइफ में वो अप्लाई कर सकते। थैंक्स। फैट में वेल्बिंग के सेशन हर सप्ताह YWLP और GSTEM की प्रतिभागियों के साथ कराए जाते हैं, ताकि वो अपनी वेल्बिंग को प्राथमिकता दे। YWLP के प्रतिभागियों के साथ 4 सेशन कराए गए। अपनी भावनात्मक जरूरतों की देखभाल कैसे करें, विजन बोर्ड, करियर को लेकर चिंता पर बातचीत, अपने सपनों को लेकर ध्यान लगाना और उन्हें पूरा करना। आइए सुनते हैं दीदी द्वारा इस सेशन के बारे में। हाय सभी को, हमने इस मंथ बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात की थी, जैसे कि अपने इमोशंस पे कैसे काम करना, अपने विजन बोर्ड पे जो भी हमारे सपने हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हमें उसमें कुछ परेशानी होती है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय ढूंढना चाहिए, हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कैसे अपनी आदतों पे काम कर सकते हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं। तो ये मंथ हमारे जो ग्रुप सेशन थे उसमें हमने ये सारी चीजों पे फोकस किया। आप सुनते हैं GSTEM सहभागियों के साथ हुए सेशन के बारे में चैताली द्वारा। के महीने में हमने GSTEM के साथ मेमोरी के गेम्स खेले, जैसे कि हमने आज कर पाया ये हम बता सकते हैं, जैसे कि हमने कल क्या खाया हम लोग ये भी बता सकते हैं। पर मैं अगर आपको पूछूं कि आपने पिछले महीने क्या खाया था तो शायद आप याद नहीं कर पाओगे कि हर एक दिन आपने क्या खाया। तो हमें हमारी मेमोरी को जानने की बहुत ज़रूरत है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है ताकि हम चीज़ों को याद कर पाए। जैसे कि अगर बड़े बड़े लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करना चाहते हैं, या फिर बहुत बड़ा एक नंबर है, कोई कैलकुलेशन करना है, कोई फॉर्मूला लेके, तो उन चीज़ों को कैसे हम याद कर सकते हैं। अगर बड़ा चैप्टर है तो उसे छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रेक करके हम उसे पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने एक्टिविटीज़ के जरिए सीखा। जैसे अगर मैं आपको 10 फोटो सिखाऊँ तो आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, अगर मैं आपको 3 दिखाऊँ तो वो आपको याद होगी। इसी तरह से हमने काफ़ी गेम्स खेल के मेमोरी को फन बनाने की कोशिश की, और ये सोचा कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम के पहले उसमें भी हमें बहुत मेमोरी का इशू होता है, जैसे कि हम चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स पर। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो हमें याद भी आए, तो वो उसके लिए डी स्ट्रेस होना या टेंशन कम लेना बहुत ज़रूरी है।
और जब टेंशन होता है एग्जाम के टाइम पे तो हम कैसे उसको डील कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। यूनेस्को से आई एक टीम ने गर्ल्स मेकर स्पेस में विजिट किया। यहाँ वुमेन इन साइंस रिसर्च में GISTEM के काम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। आइए देखते हैं यूनेस्को टीम विजिट की कुछ झलकियाँ। We are at a Makers Lab in New Delhi, powered by the non-profit Feminist Approach to Technology, an organization that aims to create awareness and enhance technical skills of young girls from marginalized and underserved communities. So, मेरे हिसाब से mentorship उतनी ही जरूरी है जितना हमें इन चीजों का एक्सेस होना जरूरी है। बिकॉज मैंने जितना लड़कियों का काम करके अनुभव किया है कि अगर उन्हें गाइडेंस या एक मेंटरशिप देने के लिए एक पर्सन उनके साथ नहीं होता है तो उनके पे जो वही घर से जो दबाव या हमारे दोस्तों का कुछ प्रभाव होता है कि गर्ल्स क्या कर सकती हैं, वो बहुत हावी होता है उनके ऊपर। तो अगर उन्हें कोई वो कहते हैं ना पाथ दिखाने वाला पर्सन नहीं होता वहाँ पे तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है उनके में। अब आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पैट में दोबारा ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी कुछ मूलभूत जानकारी और स्किल्स सीख सके और लेवल 3 में जुड़ने के काबिल बन सके। ये है कुछ चीजें जो मैंने सीखी ब्रिज कोर्स के दौरान। हेलो आप सभी को, मेरा नाम चंचल है और मैं ब्रिज कोर्स की सहभागी हूँ और मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। फरवरी में जितने भी सेशंस हुए थे उससे मैं अपने अंदर बदलाव देख पाई हूँ। इस दौरान सामाजिक नियमों को समझ पाई हूँ, साथ ही हमारी पसंद जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं उसके बारे में सोचना शुरू किया है। मेरी पसंद और नापसंद में चुनाव कर पाई हूँ। मैं अपने खुद के अधिकारों को जान पाई हूँ और ब्रिज कोर्स से मेरा सफर अभी भी जारी है। धन्यवाद। इस बार के कम्युनिटी मीटिंग में स्लैक के ऊपर ट्रेनिंग दी गई क्योंकि इस बार हमारे साथ कुछ नए सहभागी जुड़े इसलिए उनको लर्निंग ट्रेनिंग भी दी गई थी। आइए सुनते हैं सहभागी से उनका अनुभव। हेलो सभी को, मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मैं बक्सर बिहार से हूँ। फरवरी के महीने में कम्युनिटी मीटिंग हुआ था जिनके दौरान हमें स्लैक इस्तेमाल करना सिखाया गया था ऑनलाइन। और भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं और ये सेशन अभी हो रहे हैं ताकि और भी जो लोग जुड़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। इस बार के लर्निंग कम्युनिटी में अधिकार के ऊपर सेशन हुए। जैसा कि हमने पहले भी शेयर किया था कि लक्ष्मी इस साल की लर्निंग कम्युनिटी की मेंटर है। आइए जानते हैं लक्ष्मी से। हेलो सभी को, मेरा नाम लक्ष्मी है और जैसे कि आप सभी को पता होगा मैं अभी लर्निंग कम्युनिटी में मेंटोर के तौर पे काम कर रही हूँ। इसी के साथ वर्तमान में अभी फैट से 8 सहभागी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। फरवरी के महीने में YP फाउंडेशन के द्वारा एक सत्र हुआ था जिसमें 4 विषय को लेकर ज्यादा बातचीत हुई, जैसे सत्ता, हिंसा, सहमति और नहीं। इसी के साथ अधिकार को लेकर भी बातचीत हुई, साथ ही SR HR पर भी बातचीत हुई। इसी को लेकर एक गतिविधि हुई जिसमें सभी प्रतिभागियों ने ये जाना गतिविधि के द्वारा कि किस तरीके से ये विषय हमारी जिंदगी से आपस में कैसे कनेक्टेड। अब अगली खबर। इस बार लेवल 3 के साथ धर्म के ऊपर चर्चा हुई। इस चर्चा में लेवल 3 के लीडर्स ने अपने विचार, समझ और अलग अलग प्रश्नों को साझा किया और समझने की कोशिश की। आइए सुनते हैं सहभागी से उनके विचार। हेलो सभी को, मेरा नाम कल्पना है और वर्तमान में अभी हमारा हर महीने चेंज मेकर एटीट्यूड का सेशन होता है और उस सेशन में हम हमारी हर अलग अलग मुद्दे पे बात होती है और हम अपने विचार को वहाँ पे रखते हैं। हाल ही में हमारे फरवरी में एक धर्म से रिलेटेड मुद्दा चुना गया था। हम सभी ने अपने अपने विचार पे बात किया और बात करके ये लगा हमें कि इन मुद्दों पे हमारा बात करना क्यों ज़रूरी है और इनको इन पे अपनी समझ बनाना क्यों ज़रूरी है। तो हम ऐसे ही हर महीने और हर हफ्ते में चेंज मेकर एटीट्यूड का सेशन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती, हम नहीं समझ पाते हैं तो हम उस पर अपनी समझ बनाते हैं। और धन्यवाद आपका। नौ अवर लीडर सीरीज में लेवल 3 की पूनम, प्रिया और काजल का इंटरव्यू लिया गया था। इनमें से फरवरी के महीने में प्रिया और पूनम की प्रेरणादायक कहानी प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं इन इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ। फिर कंटिन्यू 1 साल तक मैं रात रात भर जाती थी, सब लोग सो जाते फिर मैं जाती थी, काम का क्या आँख ऐसे झपक रहा है, फिर भी मैं पढ़ रही थी, मुझे 1 साल पास आना है। मैंने बहुत
चीजों से मेहनत करा, बट फिर एग्जाम दिया अच्छा नंबर, सेकंड डिवीजन से मेरा नंबर निकल गया। मेरे अंदर वो सब चीज खत्म, मेरे पास अब पैसा नहीं बचा कि मैं अगले पढ़ाई कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो एकदम बिल्कुल खाने के लिए तरसने वाले घर से इंसान और पढ़ने के सोच रही थी। तो मेरी दोस्त ने बोली कि मेरे पापा से बोली, पापा मेरे को पैसा देना इंटर तक पढ़ लेते हैं। मेरे घर में पढ़ाने का सबका शौक है, मेरे पापा पढ़े लिखे तो पढ़ाने का शौक, बट मेरे घर में सबसे बड़ी वाली वजह है वो पैसा है। हम लोग के पैसा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। मेरे पापा कहते ठीक है, बट मैं एडमिशन के लिए पैसा कहीं से इकट्ठा कर देती हूँ, कर देता हूँ। फिर मम्मी बोली हाँ कर देंगे हम लोग इकट्ठा, बट ये चीजें हुई ना कि कॉपी कहाँ से खरीदेगी, कलम कहाँ से खरीदेगी, पढ़ेगी कहाँ से, क्योंकि ट्रैवल करना भी हमारे यहाँ से बहुत दूर गांव से कॉलेज होता था, तो कैसे जाओगी वहाँ पर। मैंने ठीक है, मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया। मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं सिलाई कैसे करूँ, मेरे पास मशीन भी नहीं था। मैंने एक बकरी पोसी थी, बकरी के बच्चा था वो बेच दी मैंने 3000 में, मैंने 2500 में बेच दिए। बट फिर मैंने उसके बेच कर 500 रुपए की स्टोर से लेकर सिलाई मशीन खरीदी और कपड़ा सिलने स्टार्ट करी। क्यों ये हो सके कि किसी पर निर्भर ना रहे, पहला नंबर ये बोलना चाहूंगी। सारे लोग पहले नंबर अपना पढ़ाई को बहुत ही फोकस करें, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपनी पढ़ाई को ना छोड़कर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए, और साथ ही साथ वो अपनी दिमाग में ये सोच रखे ना कि मैं कुछ करूंगी और कुछ करके अपने पैर पर खड़ूंगी अपने आप, ना कि हमें किसी के आगे कभी हाथ फैलाना पड़े कि नहीं आप मेरे को ये दीजिए ये दीजिए। अगर आप ये सोच लेकर अपनी पढ़ाई को लेते हुए आप चलिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना सीख और अपनी पढ़ाई अपने पास रखिए। ये चीजों को लेकर हम अगर कहीं भी चले भी जाए तो हमारे पास बाय चांस हमारे पास कुछ भी ना हो, तो अगर मेरे पास शिक्षा हो ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कहीं भी मैं जॉब करते भी लोग अपनी पढ़ाई को महत्व दे और एक गोल लेकर चले कि हाँ हमारा ये गोल है, हम उनको पूरा करेंगे और हमें पढ़ना है और अपने खुद का इनकम करना है। धन्यवाद सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैट में कुछ और गतिविधियों के बारे में पता चला। जाते जाते अगर आपको फैट खबर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं अगले महीने, तब तक के लिए बाय बाय।